हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने जा रहे हैं भरवा करेले की रेसिपी। भरवा करेले जो कि नाश्ते में भी जिसे हम खा सकते हैं या कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो ले जाना इसे काफ़ी आसान रहता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरह से अगर आप इन भरवा करेलों को बनाएंगे तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करेगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं भरवा करेले। तो यहाँ पे ले लिए मैंने करेले और उन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद हम इस तरह से उसे पोंछ लेंगे और पोंछने के बाद उसके जो साइड्स हैं जैसे कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट है, इन पार्ट्स को हमें कट कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड से हमें इस तरह से कट लगा लेना है और इसके जो ये स्किन है इसको हमें इस तरह से पील कर लेना है, उतार लेना है, क्योंकि इस स्किन को भी हम इसमें यूज़ करेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले करेलों को अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये स्किन हमें उतार लेनी है और अब हम इसमें कट लगाएंगे। तो हमें इस तरह से सेंटर में कट लगाना है, इस तरह से। ये देखिए हमने कट लगा लिया है और अब जो इसके अंदर सीड्स है उसे हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि सीड्स को निकाल कर ही इसमें हम स्टफिंग को भरेंगे। तो ये सीड्स हम इसमें से निकाल देंगे किसी भी चम्मच की हेल्प से या जिस तरीके से भी आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो मैंने स्पून की हेल्प से इस तरह से निकाल दिया है। तो देखिए सारे जो है करेले मैंने छील लिए हैं और इसके सीड्स जो हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। तो अब इस पर हम लगाएंगे नमक। तो सारे करेले के ऊपर हम नमक इस तरह से लगा कर उन्हें अच्छे से रगड़ कर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि करेले का जो कड़वापन है वो निकल जाए। तो आधे घंटे के लिए हमें इस तरह से इसे रख देना है और जो हमने स्किन उतारी थी करेलों की उस पर भी हम नमक लगा के रख देंगे। तो आधे घंटे के लिए हम एक साइड पे रख देंगे। तो अब यहाँ पे इसका मसाला तैयार कर लेंगे सर। तो एक कटोरी में मैंने लिया है धनिया पाउडर, एक चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, थोड़ा सा गर्म मसाला लिया है, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च जो एक बड़ा चम्मच मैंने इसका यूज़ किया है, अजवाइन ले लेंगे जो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, और हल्दी पाउडर लिया है, नमक डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ी सी सौंफ पाउडर लिया है, चाट मसाला डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, इससे चटपटा सा बनता है, और लास्ट में इसमें मैं डाल दूंगी चीनी का पाउडर। हाँ, इसमें मैं चीनी का पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, इससे कि जो करेले का तीखापन है, क्योंकि हम इसमें छिलके का भी यूज़ करें, वो थोड़ा कम आएगा, चटपटा सा हमारा करेला का जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार होगी। तो सारे मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने जो करेले उन्हें अच्छे से धो के पोंछ लिया था और जो पील था जिसको हमने कि नमक लगा के रखा था उसको भी अच्छे से निचोड़ लिया, उसमें सारा जो है पानी निकाल दिया है। तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने डाल दी है हींग को, उसे अच्छे से चटका लिया है, और अब इसमें डाल देंगे इस तरह से कटी हुई प्याज को। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, क्योंकि प्याज की ही स्टफिंग हम करने जा रहे हैं साथ में, तो प्याज ज़्यादा लिए हैं। तो अब प्याज जो है हमें हल्के सॉटे कर लेने हैं, ज़्यादा इसे हमने नहीं भूनना है। तो लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें प्याज को इस तरह से चलाते हुए पकाना है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाले जो हैं प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 से 2 मिनट तक हमें इस तरह से इसे चलाना है। और यहाँ पर डाल देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है। तो इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन जो है अदरक और लहसुन का दूर ना हो जाए। तो 1 से 2 मिनट तक हमें इस तरह से इसे चलाते हुए पकाना है। तो अभी प्याज जो है हमारा भुन गया है बहुत ही अच्छे से। तो अब इसमें हमने जो मसाला रेडी किया था वो डाल देंगे, 2 से 3 बड़े चम्मच इसे मैंने डाल दिए हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बाकी का मसाला बच गया है उसे हम रख लेंगे, फिर हमारे कभी यूज़ में आ सकता है, किसी भी सूखी सब्ज़ी में उसे हम डाल सकते हैं। तो अभी जो हमारा प्याज है वो बहुत ही अच्छे से भुन गया है, मसाला रेडी हो गया है। तो अब इसमें हमने जो करेले की पील थे जिसे हमने अच्छे से एक साइड पे रखा हुआ था उसे भी डाल देंगे और इसके साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे थोड़ा सा पका लेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर जो काफ़ी चेंज हो गया है और स्टफिंग जो है बनकर रेडी हो गई है। तो अभी से प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं,
नहीं तो हमारे हाथ जो थोड़े जलेंगे, इसलिए थोड़ा ठंडा करके ही हम इसे करेले में भरेंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग जो है थोड़ी ठंडी हो गई है, तो ये देखिए इस तरह से करेले को हम भर लेंगे। पूरा फिल कर लिया है करेले को, और इसी तरह से बाकी के जो करेले हैं वो भी हम भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो करेले हमने सारे भर लिए हैं, तो थोड़ी सी जो स्टफिंग है वो बच गई है। इस तरह से इसे भी हम बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल हमने गरम कर लिया है, और इसमें सरसों का तेल का मैंने यूज़ किया है। अब सारे करेले जो हमने भर के रखे थे इसमें इस तरह से रख देंगे, और इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। और इसे पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो करेले हमारे जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से भी, वो अच्छे से नहीं पकेंगे। इसलिए इसे लो फ्लेम पर ही इस तरह से उलट पलट करते हुए करेलों को पकाना है। तो इसे अभी पकने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं सारे करेलों को पलट रही हूँ। तो एक तरफ से अभी हमारे करेले जो पक गए, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें चेंज कर देंगे। ये करेले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सफ़र में आप जा रहे हैं तो इस तरह से इसे बना के लेके जा सकते हैं। तो अब इसे मैंने थोड़ी देर के लिए कवर करके भी पकाया। तो ये देखिए कवर करने के बाद इसका कलर जो है काफ़ी चेंज हो गया है। एक बार फिर से इसे मैं कवर करके पकाऊंगी, क्योंकि अभी पके नहीं थे अच्छे से। वो थोड़े इसका जो छिलका है वो थोड़ा काफ़ी मोटा था, तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये देखिए दोबारा इसे मैंने कवर किया, और एक मिनट के लिए फिर से इसे मैंने स्टीम में रखा था। और ये देखिए हमारे करेले जो हैं पक गए हैं बहुत ही अच्छे से, और देखिए स्टफिंग जो बिल्कुल भी इसमें से बाहर नहीं निकली है। सारे करेलों को एक बार फिर से पलट लेते हैं ढक कर, कि ये कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप बिना ढक के बनाएंगे तो थोड़े हरे रंग में रहेंगे, जल्दी पक जाते हैं ढककर के पकाने से। तो ये देखिए हमारे करेले जो हैं बनकर रेडी हो गए हैं। आप परांठा के साथ नाश्ते में इसे खा सकते हैं, या डिनर में भी दाल के साथ करेले काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आपको रेसिपी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।